मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल आजम उर्फ आपके हातिम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर आई एम श्योर आपको बहुत तगड़ा वाला झटका लगने वाला है। तो मैं श्योर अगर गाइस आप हातिम को बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आपको तो ये रस पक्के पता होने चाहिए और आपको ना ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, तभी आपको सारे रीजन सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाले, सारे फैक्ट सही से समझ में आने वाले। तो गाइस मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो गाइस जो रॉयल आजम गाइस इनका बर्थ हुआ था 19 सितंबर 1982 को। गाइस ये तो सिंपल सी बात रही, गाइस क्या आपको पता है अपने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले जो रॉयल आजम है वो तो ये तो मैं बताने ही भूल गया कि ये बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते थे। गाइस मैं ये कह रहा था ये अपने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले इन्होंने BMMS कॉलेज बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। जी हाँ गाइस इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी पहले, मतलब अपने एक्टिंग करियर को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन गाइस इनको ये एज अ प्रोफेशन इंजीनियरिंग नहीं इतना अच्छा लगता क्योंकि इनका जो सपना था वो गाइस यही था एज ए सक्सेसफुल एक्टर बनना। गाइस क्या आप सोच सकते हैं, सोचो कोई 3 साल पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और गाइस उसके बाद अपने सपनों को उड़ान देने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाएगा। सच में बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए अच्छा खासा प्रोफेशन को ढीला अपने सपने के लिए, सच में गाइस सल्यूट बनता है इस बात के लिए। तो लाइक जरूर कर देना, इस बात के लिए एक लाइक तो आपके लिए बनता ही है। तो गाइस ये 1999 में आ गए थे मुंबई में। गाइस यहाँ पर इन्होंने किशोर नम्रता एक्टिंग क्लास में ज्वाइन किया। गाइस यहाँ पर भी इनको लगभग 3 साल ऐसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसा इनको एक वक्त तो लगना पड़ा था कि मैं वापस से बेंगलुरु चला जाऊँ, अपने अच्छा खासा मैंने इंजीनियरिंग अपने भरी थाली मैंने लात मारी कि मैंने ऐसा तो नहीं किया। गाइस इनको ये भी लगने लगा था एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद कहा, लेकिन गाइस फिर इसके बाद जैसे हर किसी एक्टर का धीमे धीमे बड़ा होता है, पहले वो छोटा था फिर उससे बड़ा एक्टर बनता फिर बाद में सक्सेसफुल एक्टर बन पाता है। तो गाइस ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ, इनको पहले मॉडलिंग का ऑफर आने लगे, फिर धीमे धीमे एड फिल्म का ऑफर आने लगे, म्यूजिक वीडियो के उसके बाद ऑफर आने लगे। फिर गाइस 2001 में इनके पास ऑफर आया इनके पहले टीवी सीरियल का, गाइस वो था एक टुकड़ा चांद का। गाइस इन्होंने इसमें आकाश कपूर का किरदार निभाया। गाइस इससे इनको पॉपुलैरिटी फेम वो नहीं मिल पाई जो कि इनको मिलनी चाहिए, ये है दर्शक कुछ इनको जानने लगे थे। इन्होंने भी अपनी टीवी इंडस्ट्री में डेब्यूट कर लिया था, अपने कदम दबा लिए थे। तो गाइस इनको आगे जो काम मिलने में, जाहिर सी बात अगर किसी भी जगह पर पैर जम जाते तो गाइस उसको आगे उसमें भागने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस ऐसा इनके साथ भी हुआ। फिर इनको और ऑफर आने लगे जैसे कि शी, फिर कोई है अचानक से 36 साल बाद, बहुत सारे इन्होंने डेली सोप्स किए। लेकिन गाइस फिर 2003 में इनके पास ऑफर आता है इनके लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट का। जी हाँ गाइस 2003 में इनके पास प्रोजेक्ट आया, आप समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हातिम का। जी हाँ गाइस इसके बाद इनके पास ऑफर आया टीवी सीरियल हातिम में एज अ लीड एक्टर और यहाँ पर इन्होंने हातिम का किरदार बखूबी निभाया, इतने अच्छे तरीके से निभाया है गाइस कि दर्शकों के मन में हातिम की छवि किसी और किसी एक्टर को रिप्लेस कर पाना रॉयल आजम की गाइस इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो सकता है, इम्पॉसिबल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि कोई एक्टर रॉयल आजम की जगह एज ए हातिम ले पाए। गाइस फिर ये हर घर में इतना ज़्यादा ही टीवी सीरियल पॉपुलर हुआ कि इनको हर घर में जहाँ भी जाते इनको हातिम के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता है। जी हाँ गाइस लेकिन गाइस फिर इसके बाद ये टीवी सीरियल एंड हो गया। एंड होने की सिंपल सी वजह है टीवी सीरियल की स्टोरी ख़त्म हो गई तो बस टीवी सीरियल भी एंड हो गया, जो भी उन्होंने पूरे एपिसोड हो गए। तो गाइस इसके बाद ये रॉयल आजम थमे नहीं, इन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल में काम किया। लेकिन गाइस मैं आप बता दूँ इसके बाद इनके हाथ को इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं लगा जितना कि हातिम था और इसके बाद ये टीवी इंडस्ट्री से काफ़ी दिनों तक तो गुमनाम से रहे। लेकिन गाइस फिर इन्होंने छोटे मोटे रोल बहुत सारे टीवी सीरियल में किए, CID में इन्होंने छोटा मोटा रोल किया, बहुत सारे टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल किए जैसे कि, और बहुत सारे टीवी सीरियल में कुछ अच्छे भी रोल किए हैं। लेकिन गाइस मैं फिर से कहता हूँ इनको वो पॉपुलैरिटी वो फेम नहीं हासिल हो पाया जो कि इनको हातिम से मिला था या मनका सहजादा से मिला था। वो गाइस दोबारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट इनके हाथ दोबारा नहीं लगा और दर्शकों ने इनको कोई और कैरेक्टर में नहीं पसंद किया। तो गाइस इसके बाद इनको बहुत टीवी सीरियल में देखा गया जैसे कि पाल, मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा, रिश, ये अपना या पराया धन, CID, हमने लिया सपट, गाइस बहुत ही सारे टीवी सीरियल में इनको देखा गया। इन्होंने सरस्वती चंद में भी इनका हल्का सा रोल होने का ऑफर था लेकिन गाइस बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया था। इन शॉर्ट ये मतलब इन्होंने थमे नहीं, केवल कुछ हातिम के रोल के बाद कुछ महीने ही थमे थे। गाइस उसके बाद हर साल, अगर मैं बताने बैठूंगी वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हर साल इन्होंने एक ना एक
टीवी प्रोजेक्ट में जरूर टीवी सीरियल में जरूर ये नजर आए। लेकिन गाइस मैं बात करूँ अगर कुछ इनके रिसेंटली के प्रोजेक्ट 17 में इन्होंने किया था टू आस की, जी हाँ गाइस उन्होंने किया था टू आस की, जिसमें गाइस उन्होंने जयंतलाल धनराज गिल का कैरेक्टर निभाया था। और गाइस ये एक नेगेटिव रोल था और गाइस इस रोल में भी दर्शकों का इनको बहुत सारा प्रेम मिला बावजूद जबकि ये एक नेगेटिव रोल था, जबकि नेगेटिव रोल में जो कैरेक्टर निभाते गाइस उनको प्रेम नहीं, उनको दर्शकों को हेट मिलते, लेकिन गाइस इनको इस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा पसंद किया। और गाइस ये भी हम ये कह सकते हैं कि इनका वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। जी हाँ गाइस ये भी तू आश्क में जो उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया था गाइस ये भी इनका बहुत सफल प्रोजेक्ट रहा, दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। और गाइस इसी के चलते हुए इनको इस रोल के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल मेल का भी अवार्ड मिला था इन टैली अवार्ड। और भी गाइस बहुत सारे इसी कैरेक्टर ने इनको अवार्ड दिलाए थे गाइस। इसके बाद उन्होंने किया लाल इश्क और गाइस बाद में ये हमको 2019 में नज़र आए थे इन कोर्ट रूम, इन्होंने इसमें एडवोकेट की भूमिका निभाई थी। गाइस क्या आपको पता है जो हमारे राय लाजम है उर्फ फातिम, इनको गाइस जो इन्होंने कहा है कि इनको सास बहू वाले टीवी सीरियल में उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि इनको हॉरर टीवी शो करने में आता है। जी हाँ गाइस इन्होंने खुद कहा है कि इनको हॉरर टीवी शो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लोगों को डराने में ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। इसीलिए इन्होंने लाल इश्क फिर कोई या फिर अचानक से 37 साल बाद बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल किए हैं जो कि गाइस और भी बहुत सारे ऐसे किए जो कि गाइस हॉरर हैं, घबराल जकरार और भी गाइस बहुत सारे इन्होंने हॉरर टीवी शो ज़्यादा किए हैं क्योंकि गाइस इनको डराने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस ये तो सच में काफ़ी अमेजिंग बात है रायल आजम की, वह इनकी हॉबीज़ है वो भी गाइस काफ़ी डिफरेंट है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाल कलर की घंटी है गाइस उसको भी दबा दीजिएगा ताकि गाइस आप फ्यूचर में कहीं मुझसे कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी मिस ना हो जाए। और अगर गाइस कोई बात कह रही हो नीचे कमेंट में लिखकर बताएं, और गाइस अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो गाइस यार आपका फ्रेंड बेटा सिस्टर जो भी समझ के आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। See you in my next video.